दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच मैं मनोज शर्मा एक नया प्रोग्राम लेकर, जैसा कि पिछला प्रोग्राम डाला था नेशन व्यूज ऑन न्यूज, लेकिन ये आज का धारावाहिक है और पहली कड़ी है इसकी, नेशन व्यूज ऑन एमपी इलेक्शन। और एमपी इलेक्शन में जो हम सर्वे कराए हमने और जो न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आई और धरातल से आई, वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। इस इशारे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा को पछाड़ती नजर आ रही है। और क्यों आ रही है, उसकी कई तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन एक तस्वीर खास थी जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बेइज्जत करके अपनी महफिल से किसानों ने निकाल दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान बुरहानपुर के पतोड़ा गांव में आंधी तूफान से नष्ट हुई केले की फसल का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें बेरंग लौटा दिया। नाराज किसानों के सामने क्षेत्रीय सांसद गिड़गिड़ाते नजर आए और कहते रहे कि मैं आपकी परेशानी देखने आया हूँ, लेकिन ग्रामीणों के गुस्से के आगे नंदू भैया को लौटना पड़ा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीरें भाजपा के खिलाफ न सिर्फ चिंता का सबब है, बल्कि एमपी में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का संकेत भी दे रही है। दूसरी तस्वीर से ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि एक दबंग पूर्व दबंग यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो दबंग राजनीति के माहिर हो गए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उनका कोई सानी नहीं रह गया है, वो अपनी जनसभाओं में जाते हैं तो वहां भीड़ भी जुटती है, वो अपनी जनसभाओं में जाते हैं तो भीड़ भी जुटती है, लोग भी उनको सुनने आते हैं और वो हवा चलने को भी अपना मुद्दा बना लेते हैं और कांग्रेस को भी मुद्दा बना लेते हैं, किसानों को भी मुद्दा बना लेते हैं और शिवराज पर इतने कर्रे वाले वार करते हैं तो शायद शिवराज जी को शायद रातों को नींद नहीं आती होगी, क्योंकि सिंधिया चुनाव प्रचार समिति के जब से चेयरमैन बने हैं उन्होंने शिवराज चौहान की रातों की नींद उड़ा दी है। और मंदसौर की बात से तो और भी, ये जो रैली हुई मंदसौर की, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली कांग्रेस को, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक अलग स्टेप रखने का मौका मिल गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ कमाल का उत्साह लिए है। आज की एक जनसभा में जब हवाएं तेज चलने लगी तब उन्होंने कहा कि ये आंधी तो दिखावटी आंधी है, असली आंधी तो जनता लेकर आएगी। भाजपा नेताओं के मोटेपन पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होता चला गया। आज तो आंधी आई है, असली आंधी नवंबर में आने वाली है भाजपा, और आंधी होगी, इंद्र देवता द्वारा लाई हुई आंधी नहीं, वो आंधी होगी आपके द्वारा लाई हुई आंधी। जिस सरकार के कार्यकाल में गरीब और गरीब होते जा रहा है, भाजपा के नेता अरबपति और करोड़पति बनते जा रहे हैं। जिन लोगों को मैंने देखा है बचपन के समय में, मेरे दादी के इर्द गिर्द घूमते थे, सारे ऐसे ऐसे पतले होते थे, सारे के सारे अब सारे। तीसरी तस्वीर है किसानों के नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का की, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ये तो आप सुन ही लेंगे क्योंकि ये वीडियो में डालूंगा।
और ये सब एमपी न्यूज की कोटेसी से संभव हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो कैमरामैन है नहीं, तो न्यूजों से इकट्ठा करना पड़ता है और नेशन का स्वभाव भी जानना पड़ता है और नेशन का झुकाव भी जानना पड़ता है। तो काका जी धन्यवाद दे रहे हैं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर किसानों का साथ दिया, और उनकी नियत पर भी शक नहीं कर रहे। वो मानते हैं कि इस बार अगर राहुल गांधी जी ने कोई वादा किया है किसानों के साथ तो वो पूरा करेंगे, और किसान इस बार कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। शिवराज मामा, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तैयार हो जाइए, इस बार बचने वाले नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस बार भरपूर बहुमत के साथ आ रही है, क्योंकि इसमें सिंधिया की आक्रामकता है तो राहुल गांधी का भोलापन है, और साथ में पीछे छुपा हुआ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी का मैनेजमेंट है। शहर नहीं आया, मगर इन 10 दिनों में मीडिया इस बात का स्वयं साक्षी है कि सरकार की सांसें ऊपर नीचे होती रही हैं। टीआई सब्जी मंडी में हमारे यहाँ भोपाल में सीआई डीएसपी सब्जी लाने ले जाने का और दूध बिकवाने का काम 10 दिन करते रहे हैं। ये सरकार 10 दिन दबाव में रही है, यही हमारा आंदोलन की सफलता है, ना कि ये सफलता है कि कुछ ट्रक जल जाते, कुछ बस जल जाती, कुछ आदमी निपट जाते, ये इसको हम सफलता नहीं मानते, इसको हम आंदोलन को कैसे मानते कि आंदोलन बर्बाद हो चुका है। वही कक्का जी का कहना है कि अन्नदाता अधिकार यात्रा के दौरान ट्रैक्टरों पर झांकियां निकाली जाएगी और सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाया जाएगा। इसमें 100 ट्रैक्टर होंगे, इस ट्रैक्टर का 50 होगी, ट्राली 100 होगी, क्योंकि डीजल का खर्चा बहुत आता है, तो एक ट्राली में 2 ट्रालियां रहेगी ट्रैक्टर, और दोनों साइड में इसमें चलित एग्जीबिशन टाइप का होगा, 12x6 फिट के हमारे वो होंगे फ्लैक्स लगे होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार के 15 सालों के उपलब्धियां और कुकर्म दोनों शामिल होंगे। आगे 2 गाड़ियां होंगी जिनमें हमारा बारूद भी होगा, साहित्य भी होगा, 323 विकास खंड 51 जिले में यात्रा जाएंगी, 2-3 बड़ी आम सभाएं होंगी, और तहसील जो गांव में पड़ेगी, जत्ते में गांव पड़ेंगे, उनमें केवल रैली का स्वागत होगा। जो 36,000 किसानों ने आत्महत्या की है इन वर्षों में, कितने सालों में, ये 15 वर्षों में सरकार के राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल पर किसानों का साथ दिया, उसके अनुग्रहित नजर आए शिव कुमार शर्मा उर्फ किसान नेता कक्का जी। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए राहुल गांधी का, राहुल गांधी जी ने विषय रखा, हम उनका धन्यवाद देते कि वो उनको किसान की पीड़ा पर वो लंबे समय से चल रहे, लैंड बिल पर उन्होंने हमारा साथ दिया, जबकि पूरी पार्टियां सपा बसपा भी मैनेज हो गई थी, केवल राहुल गांधी ने लैंड बिल पर पूरी ईमानदारी से हमको साथ दिया। वो कह रहे हैं कि हम 10 दिन में करेंगे, और हमारा भी निवेदन है कि अब आप हमको जो लिख के दो, हमने रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी चर्चा की कि ये जो घोषणा पत्र है ये बहुत बड़ी लफ्ताजी है, यानी घोषणा पत्र पढ़ के तो ये लगता है कि ये आधे साथ पूरा मध्य प्रदेश को सहज बना दें, किसान जो आपकी सारी योजनाओं को भाजपा की ध्वस्त कर देगा। अमित शाह जी, इतनी जल्दी भी क्या है, किसानों के बीच में जाते तो अच्छा लगता, सेलिब्रिटीज के पास जाने जरूरत क्या है, यानी कि आप भी जान चुके हैं कि जनाधार आपका खिसक चुका है, बिहार में आपको लेने के देने पड़ रहे हैं। कल से फिर एक नई सीरीज के साथ आऊंगा दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ एक साथ ये भी कमेंट दीजिएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको मध्य प्रदेश के अंदर किस भूमिका में पसंद है, मुख्यमंत्री की या सेंटर में केंद्रीय मंत्री की। अगर आप राय देंगे तो मेरे पास कम से कम आंकड़े जुड़ जाएंगे मध्य प्रदेश से और पूरे देश से, जो अब आपके कमेंट आएंगे तो पता तो चले कम से कम कि आप क्या चाहते हैं, नेशन की तरह, नेशन में रहने वाले लोगों की तरह, तभी तो होगा नेशन व्यूज ऑन इलेक्शन एमपी। थैंक यू दोस्तों,
दूसरी तस्वीर से यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि एक दबंग पूर्ण दबंग यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दबंग राजनीति के माहिर हो गए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उनका कोई सानी नहीं रह गया है। वो अपनी जनसभाओं में जाते हैं तो वहां भीड़ भी जुटती है, वो अपनी जनसभाओं में जाते हैं तो भीड़ भी जुटती है, लोग भी उनको सुनने आते हैं और वो हवा चलने को भी अपना मुद्दा बना लेते हैं और कांग्रेस को भी मुद्दा बना लेते हैं, किसानों को भी मुद्दा बना लेते हैं और शिवराज पर इतने कर्रे वाले वार करते हैं तो शायद शिवराज जी को शायद रातों को नींद नहीं आती होगी, क्योंकि सिंधिया चुनाव प्रचार समिति के जब से चेयरमैन बने हैं उन्होंने शिवराज चौहान की रातों की नींद उड़ा ली है। और मंदसौर की बात से तो और भी, ये जो रैली हुई मंदसौर की इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली कांग्रेस को, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक अलग स्टेप रखने का मौका मिल गया है।